This could be us. So back to what I was saying. This could be us. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक फंक्शन पे. मैंने ये पहना है फंक्शन के हिसाब से. इसके मीनाक्षी तो कह रही है कि ये फंक्शन के हिसाब से सही नहीं है. मैंने ट्रैक सूट ही पहन लिया और नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हैं. तो मीनाक्षी कह रही है ऐसे फंक्शन के हिसाब से बढ़िया नहीं है. मीनाक्षी को देखो पूरी तैयार होके जैसे मेरे को दूसरा सूट पहना था फैमिली, लेकिन क्योंकि ना उसमें कुछ इशू आ गया था थोड़ी ऑल्टरेशन में, तो मैंने ये पहन लिया. लेकिन बदले से कह रही है ये ट्रैक सूट मतलब ऐसे तो मैंने दिया, ये अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोहड़ी पार्टी के हिसाब से नहीं है, चेंज कर. सब सही है, जो हमने पहन लिया वो बढ़िया है. देखो गाइस पूरे तैयार हो चुकी है और अभी मम्मी का फोन आ गया और हम दोनों हो चुके हैं लेट. मैं आपको दिखाता हूँ टाइम 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट. मम्मी का ही फोन होगा 100%. ये देखो बिल्कुल सही जवाब. हेलो मीनाक्षी तैयार नहीं हुई अभी तक. मीनाक्षी तैयार नहीं हुई अभी तक. तैयार नहीं हुई. तैयार नहीं हुई. तैयार तो आवाज ही नहीं आ रही हमारी. पता नहीं क्या बोल रहे हैं वहाँ पे. बहुत ज्यादा शोर होगा ना. जल्दी कर, चलना नहीं है मुझे, लग नहीं रहा तुझे चलना है. अरे चल रही हूँ. कुछ नहीं चलना तेरे को. पता नहीं क्या क्या ढूंढने में लगी हुई है. अरे मैं सोच रही थी थोड़ा आई शैडो लगा लूँ, मिल नहीं रहा जरा. वो लोहड़ी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये गुड्डू की हमारे पाला बेबी की पहली लोहड़ी है. और मैं अभी थोड़ी आपको लो ऑन एनर्जी लग रही होंगी. उसका रीजन ये है. ओ गुड्डू कह रहे नहीं मेरे अंदर बहुत एनर्जी है. उसका रीजन ये है कि 3 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है. एक तो मुझे रात को ना पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है. पता नहीं पोल्यूशन है या क्या है मुझे नहीं पता. मतलब जैसे हम पूरा इनहेल करते हैं ना, इनहेल पूरा करने से पहले मुझे खांसी उठ रही है. तो मैं पूरी पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ. मुझे 2 रातें हो गई हैं, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ. और मुझे कफ बहुत ज़्यादा है. और मुझे मतलब मुझे सबसे ज़्यादा गुड्डू का डर लगता है क्योंकि मैं इससे दूर तो रह नहीं सकती कि इसको कुछ ऐसा अगर मुझे कोई इन्फेक्शन या कुछ है तो इसको ना वो चीज़ हो जाए. क्योंकि ये छींकें मार रही थी आज माला चौथा चौथा बेबी. तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई आज. मैं अभी फटाफट से ये सूट पहन के आई हूँ क्योंकि गुड्डू की पहली लोहड़ी है. तो जैसे भी तबीयत फील हो रही हो मुझे कुछ भी हो, लेकिन इसकी पहली लोहड़ी सेलिब्रेट तो करनी है भाई, है ना गुड्डू. बाहर ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो नीचे लेके जाने में थोड़ा डर लग रहा है गुड्डू को. बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा चल रही है. इसको थोड़ा मैं आग के पास ही रखूँगी, जो हम लोहड़ी जलाएंगे उसके पास ही रखूँगी ताकि हमारे पाले बेबी को ठंड ना लगे, है ना छोना. छोना जय कर दो फैमिली को. छोना फैमिली को जय करो. जय जय करो. जय करो. अच्छा आ जाओ, कर दो फैमिली को. आ जाओ. ध्यान ही नहीं है इसका. कहते हैं जो लोहड़ी का फेस्टिवल है वो मनाया जाता है स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं और जिनकी नई नई शादी होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोहड़ी का फेस्टिवल. और इसमें हम बॉर्न फायर चलाते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं और सारी डिफरेंसेस जो होते हैं आपस में उनको पीछे छोड़ के हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं. सारी बुराइयाँ जल जाती हैं लोहड़ी की आग में, सिर्फ अच्छाइयाँ रह जाती हैं, है ना कुछ. तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही पवित्र त्यौहार है लोहड़ी का. अभी मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा कहीं गए हैं तो मैं पतिदेव रितु गुड्डू और चीकू बस हम ही लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे इस बार, जो गुड्डू की पहली लोहड़ी है. क्योंकि पहली लोहड़ी है हमारे साथ. रितु कह रही है भाभी मैं आलू का परांठा बनाया था अपने लिए खाने के लिए, आप कैमरा लेके आ गया, मैं कैसे खाऊंगी. आज के रूप में हम ये सामान चढ़ाएंगे. मम्मी पापा ने भेजा था लोहड़ी पे ये रेवड़ी, ये मूंगफली और ये पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न को फैमिली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. तो मैं प्रसाद की जो परात है ये बना लेती हूँ. और इसमें मैं ये भिंडी, जो ये पॉपकॉर्न और मूंगफली, ये तीनों डाल लेती हूँ थोड़े. तो फिर हम लोहड़ी की जो अग्नि जलाएंगे वो उसमें हम वो सारा वो कर देंगे. अभी मम्मी नहीं है तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है. तो मैं अपने उससे कर रही हूँ. भगवान कुछ गड़बड़ हो तो मुझे माफ़ कर देना. अपनी जो चीज़ों को समझ में आता है वो उससे कर रही हूँ. हाँ ये इसको दिखाओ जरा ये क्या कर रही है. ये इसमें आपकी उंगली चली जाएगी तो फिर क्या होगा. तो ये तीनों चीजें इसमें डालनी है.
अब हम रेडी है नीचे जाने के लिए। इस साल लोहड़ी पे मेरी यही विशेज है आप सबके लिए फैमिली, कि आप सब के घर में जितने भी लोग हैं आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, और आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, जो भी आपके सपने हो सारे पूरे हो, और किसी की लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना आए, और अगर आए तो वो एक सेकंड में छूमंतर हो जाए। हैप्पी लोहड़ी, ये गुड्डू गुड्डू हैप्पी लोहड़ी ये कैरी बाहर चलो, हैप्पी लोहड़ी ये आ जाओ, चलो कैरी फैमिली से, चलो आ जाओ फैमिली बाहर चलो, ये देखो गुड्डू हैप्पी लोहड़ी ये चलो। बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है अभी, वहां पर हम लोहड़ी सजा रहे हैं, अभी वहां पे आग लगाएंगे। गुड्डू हमने अंदर छुपा के रखी हुई है क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा है। गुड्डू के गाल ठंडे ठंडे हो गए भाई, 2 मिनट में। अभी तो गुड्डू को हम अंदर छुपा के रखेंगे, है ना गुड्डू? हाँ, पहन लो इसको भी, पहन लो चलो, है ना? देखो पापा को, पापा है ना, ठंड है ना बाहर, कोई नहीं फटेगा एक ही बार। हम भी तो जा रहे हैं, दिवाली हो जाएगी एक बार। गुड्डू की पहली लोहड़ी पे ढोल ढोल भी बज रहा है, मुझे ढोल रिसेंटली अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में RRR में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको मिला है बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड, जो कि हम सारे इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है। तो गुड्डू और पतिदेव दोनों इस जीत को कर रहे हैं सेलिब्रेट, और कैसे कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फैमिली आज है मकर संक्रांति, और ये गुड्डू की पहली मकर संक्रांति है, तो क्योंकि मम्मी नहीं है तो सारी भी जिम्मेदारी मेरी है थोड़ी। तो मम्मी ने ना खिचड़ी लेके रखी थी, क्योंकि मकर संक्रांति पे खिचड़ी देना बहुत शुभ माना जाता है। तो अभी मम्मी और पति देव, क्योंकि दोनों नहा लिए, तो दोनों का मैं हाथ उस पर लगवा रही हूँ, मैं नहा के अपना हाथ में लगा दूंगी, और फिर हम उसको दान करेंगे रेवड़ी वगैरह के साथ, थोड़ा पुण्य कमा लेंगे, है ना गुड्डू? हाँ। चलो आओ आओ, ये सारे सारे खिचड़ी के वो हैं, इन सब पे हाथ लगा दो आप और गुड्डू। जय हो 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 जय 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 कर दिया जय 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 देखो जय जय अरे वाह वेरी गुड।